नमस्कार, प्रथम खबर को स्वागत कर प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर। आज राज्य में ऑफलाइन मैट्रिक परीक्षा 504 सेंटर में परीक्षा देबे 15151 जन छात्र छात्री। परीक्षा केन्द्र को प्रवेश पूर्व हेबो थर्मल स्कैनिंग। शिक्षक मानकर होईछि एंटीजन टेस्ट। आज टोक्यो ओलंपिक्स से ट्रैक कोल्हाइबे दौड़राणी दुति चांद। 100 मीटर में दौड़े दुति पदक जितवा नहीं देशवासी आशा से बड़ा अधूरा रहा। मेरिकॉम को द्वितीय ओलंपिक पदक स्वप्न। प्री क्वार्टर फाइनल पराजय सहित ओलंपिक्स अभियान शेष। नूतन शिक्षा नीतिर एक वर्ष पूर्ति अवसर में देशवासी विद्यार्थी को मोदी संबोधन कहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति नुआ भारत गढ़ एक बड़ मिशन। पिलांक शिक्षा पद्धति आसी क्रांतिकारी परिवर्तन। 11 स्थानीय भाषा में पढ़ा इंजीनियरिंग पाठ। विदेशी छात्र छात्री उठाइबे शिक्षा नीतिर लाभ। दीक्षा पोर्टाल सफलता कथा कहले प्रधानमंत्री। आशीर्वाद योजनार लाभ पाउनांती अनाथ शिशु। कोरोना काल में अनाथों तथ्य संग्रह होता अभियोग। गंजाम 2066 जन शिशु योजन सामिल अपेक्षार। पीसी सरकारी अर्थ हरिलु। ठीक थिबा चट्टान को भांगी पुणी काम करछि पूर्त विभाग। जटनी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र आसला एभली संगीन चित्र। नयगढ़ दुई माउंटेन मैन हरि और कृष्ण बेहरा पहाड़ काटी तैयारी कले 3 किलोमीटर रास्ता। 20 वर्षर परिश्रम परे मिलला सफलता। एवं तृतीय टी20 में बाजी मारा श्रीलंका। 7 विकेट्रे भारत को हरला सिंघली दल। 2-1 रे सीरीज हारा भारत। राज्य में आज आरंभ ऑफलाइन मैट्रिक परीक्षा। ऑनलाइन परीक्षा फल असंतुष्ट छात्र छात्री परीक्षा देबे। अगस्त 5 तारीख जाए परीक्षा होगा थिबा बेले पूर्वान्न 9:30 परीक्षा केन्द्र को प्रवेश करेंगे छात्र छात्री। दिन 10:30-12:30 पर्यंत परीक्षा होगा। प्रश्नपत्र गुड़िक नोडाल सेन्टर में पहुंची सारिता बेले समस्त प्रस्तुति शेष हो। परीक्षार्थी कोविड नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करने को परीक्षा केन्द्र दायित्व थिबा अधिकारी मानको निर्देश दिया जाय छि। परीक्षा केन्द्र को सानिटाइज करा प्रवेश पूर्व छात्र छात्री थर्मल स्कैनिंग करा जीवो। परीक्षा परिचालन नियोजित शिक्षकों एंटीजन परीक्षा सहित परीक्षा हॉल कोविड स्थिति अनुध्यान पर स्वतंत्र कोविड स्क्वाड गठन करा जाई छी। 15151 जन परीक्षार्थी 504 सेंटर करा जाई छी। आज टोक्यो ओलंपिक्स रे ट्रैक कोल्हाइबे ओडिया दौड़राणी दुति चांद। एकमात्र भारतीय आथलेट भाव टोक्योर दुईट इवेंट में भाग नहीं। दुति महिला 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ से भाग नहीं। आज दुति 100 मीटर दौड़ रही। भारतीय समय अनुसार सकाल 8-9 भितर रही 7 हिट्स गोटे से दौड़े। दुति चांद ओडिशा सहित सारा देशर नजर रही। अधूरा रहिला मेरिकॉम को द्वितीय ओलंपिक पदक स्वप्न। 6 विश्व चैंपियन तथा 2012 लंडन ओलंपिक रे ब्रोंज पदक विजेता मेरिकॉम को प्री क्वार्टर फाइनाल पराजयर सामना करने को पड़े। 48-51 केजी वर्गर प्रतियोगिता रे रियो ओलंपिक मेडलिस्ट इग्रित वेलिंगसियांक ठारु 3-2 परास्त होती मेरिकॉम। एथसहित ओलंपिक्स रे तांकर अभियान शेष होछि। परवर्ती खबर को आसिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नुआ भारत गढ़। नूतन शिक्षा नीतिर एक वर्ष पूर्ति अवसर में देशवासी और विद्यार्थी को संबोधन कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यह कहते। से कहते नूतन शिक्षा नीति एक बड़ मिशन। पिला शिक्षा पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन आसी। 11 स्थानीय भाषा में इंजीनियरिंग पाठ पढ़ा सूचना देते प्रधानमंत्री। एथस विदेशी छात्र छात्री शिक्षा नीतिर लाभ उठाई पारे। ए अवसर दीक्षा पोर्टाल सफलता कथा कहले प्रधानमंत्री। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विशेषकर सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नूतन शिक्षा नीतिर एक वर्ष पूर्ति अवसर में आज समस्त देशवासी और विद्यार्थी को संबोधन करिछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। समस्त देशवासी और विद्यार्थी को अभिनंदन जनाए मोदी कहते राष्ट्रीय शिक्षा नीति नुआ भारत गढ़।
ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏଭଳି ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନୂଆ ଭାରତ ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏକ ବଡ଼ ମିଶନ ଏବଂ ଏହାର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦୀକ୍ଷା ପୋର୍ଟାଲର ସଫଳତା କଥା କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। भविष्य हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा दे रहे हैं। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टैंड्स ऑन द फोर पिलर ऑफ क्वालिटी, इक्विटी, एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी, थिंग्स दैट रन थ्रू मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स ब्रॉट अबाउट बाय द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। कोरोना काल में सारा देश में चलता ऑनलाइन शिक्षा को प्रशंसा करते मोदी। मोदी कहते युववर्ग को उत्साह प्रशंसन निज परिचय सृष्टि करीधहस्त युवक को सुजोग दरकार, कौन प्रतबंधक लगवा अनुचित। यह नीति में छात्र छात्री कौन स्ट्रीम को बाछीपारे कि छाड़पारे। पा शिक्षा पद्धति में क्रांतिकारी पर आसी एथस नुआ नुआ योजन भारत भाग्य परिवर्तन हो। विदेशी छात्र छात्री एवं भारत नुआ शिक्षा नीति लाभ उठाइबे। बीते एक वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार बनाकर अनेक बड़े फैसले लिए गए हैं। आज इसी कड़ी में मुझे बहुत सारी नई योजनाएं, नए इनिशिएटिव्स इसकी शुरुआत करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, ये महत्वपूर्ण अवसर ऐसे समय में आया है जब देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। मोदी कहते यह नीति अंतर्गत स्थानीय भाषा उपरे बेसी गुरुत्व दी जा। मातृभाषा पढ़ा द्वारा गरीब पिला उत्साह बढ़ गाँ गाँ में प्ले स्कूल हो धनी और गरीब पिला हसी खेली पढ़े। शिक्षक मैंने निज निज विभाग को परामर्श देते। राष्ट्रीय शिक्षानीति हूँ गांधीजी दूरदर्शी विचार। 3 लक्ष अधिक पिला अच्छा जो मैंने सांकेतिक भाषा उपर निर्भर करती। एवं साइनिंग लैंग्वेज को गुरुत्व दि जाए विकल्प व्यवस्था कर। राष्ट्रीय शिक्षानी में साइनिंग लैंग्वेज अंतर्भुक्त हो 11 स्थानीय भाषा इंजीनियरिंग पाठ पढ़ा। आप सभी महानुभावों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की है। कोरोना के इस काल में भी लाखों नागरिकों से, शिक्षकों, राज्यों, ऑटोनोमस बॉडी से सुझाव लेकर, टास्क फोर्स बनाकर नई शिक्षा नीति का चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। नूतन शिक्षा नीति में समस्त सहयोग रहा आवश्यक बोली कहते प्रधानमंत्री। देशर भविष्य रूपरेख आपण मान हाथ में रही। आम मान परिश्रम और उत्सर्ग एक नुआ जुग को साक्षात कर मोदी कहते। नूतन शिक्षानी को समर्थन कर छात्र छात्री और शिक्षाविद। तो NP 2021 माध्यम को चक्कर यहाँ गोटे बिग अपॉर्चुनिटी एंड इंजीनियरिंग पढ़ा भी हम ओडिया एंड आम मेन जिनस एंटरप्रेन्योरशिप आम टोटाली दुनिया केत लोक खाली जॉब रे डिपेंड हो रोचान से भावुँ कि हाँ जॉब करदे MBA करी फिलअप हो गला बट से बुझीपार ना एंटरप्रेन्योरशिप के इम्पोर्टेंट आज कल के दिन शिक्षा नीति आर वर्ष मानने धार्य होता है। यह वर्ष लागू है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तत्वावधान में। आउ गोटे बड़ खुशी खबर हूँ जहाँकि धर्मेन्द्र प्रधान जिकि पूर्वतन उत्कल विश्वविद्यालय छात्र सी निजे यहाँ त्वरित आगू करेंगे एवं धर्मेन्द्र प्रधान को आम जो शिक्षामंत्री अच्छा आम शुभेच्छा जनाऊँ शुभकामना जनाऊँ जातीय शिक्षा नीति आग को तत्वावधान में त्वरित हो। प्राइम मिनिस्टर जो आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो बर्षे है
जे आज जो प्राइम मिनिस्टर बहुत दिन से आज लॉन्च कले जो मल्टीपल एग्जिट एंट्री आउचे नेशनल डिजिटल आर्किटेक्चर जो करागला तापर जो विद्या प्रकाश से सब लॉन्च कराला बहुत प्रोग्राम आज से लॉन्च करचंती या द्वारा निश्चित मात्रा रे आमर शिक्षा बहुत आगो को जीव आमर रैंकिंग बढ़ रिसर्च उपर से बहुत गुरुत्व देचंती आउ बेसिकली जो एग्जिट आउ मल्टीपल एग्जिट आउ एंट्री पॉलिसी हला से जेकोसी पिला जेकोसी मुहूर्त से विभिन्न एजुकेशन को पढ़ी भी अधारू छाड़ी गले तार से पाठ पढ़ा लॉस होबनी से गोटे डिग्री नहीं जीव एथिस टोक्यो ओलंपिक्स भारत योगदान को भूरी भूरी प्रशंसा करते प्रधानमंत्री ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कोरोना काल में अनाथ होता पिलां उभय केन्द्र और राज्य सरकार अनेक योजना घोषणा करछन्ति। अनेपटे अनेक जिले में ठीक भावे अनाथ शिशु तथ्य संग्रह अभियोग आसुच्छे। सबुठ बड़ कथा देश में महामारी हजार हजार शिशु निजर माता पिता हर अनाथ हो जाते जदि प्रशासन ठीक भावे अनाथ शिशु तथ्य संग्रह न कर तेज राज्य में हजार हजार असहाय शिशु उभय केन्द्र और राज्य सरकार योजन वंचित हो एक उदाहरण देखा मिली गंजाम जिले देखिए रिपोर्ट। ये हूँ छत्रपुर भंडारी साहर विजय लक्ष्मी बेहरा। गत दुई मास ते स्वामी सूर्य बेहरा कोविड्रे चलीगला एवं पर चल कष्टर हो पड़ी। विजय लक्ष्मी को 12 वर्षर झियो परिवार भड़ा घरे रहुछंती। एते दुख कष्ट बंचुतिवा विजय लक्ष्मी को एपर्यंत आशीर्वाद योजना रे शामिल करा जाय नाही। ये होउछंती नुआ साही बासिंदा अर्चिता नायक। स्वामी कोरोना रे चली गला परे हैरान होई निज पुओ ओ झियो को पाठ पढ़ाउछंती। ऋण करज करी परिवार चलाउछंती। हेले एही परिवार पई योजना सात सपन। ए दुईटी उदाहरण रु अनुमान करंतु राज्य में अनाथ होता शिशु तालिका के सठिक भाव प्रस्तुत हो चार तारीख भड़ा रही घर भड़ा चार हजार टाइम तो मुझेपर तीन मस घर भड़ा दे तो मुझे बहुत कष्ट मत सरकार तरफ कि घर देखा भी पाईपर बहुत कष्ट आशीर्वाद योजना मत नहीं पेपर नहीं सब फर्म मैंने तो किसी पाई सब दिन चल गले बच्चे सब केवल यही दुईटी परिवार नुहे। कोरोना काल में गंजाम जिले में अनाथ होता 2066 जन शिशु एवं आशीर्वाद योजना सहायता अपेक्षा। कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा आरंभ होता आशीर्वाद योजना बापा किंबा माँ मध्य जड़े नथिले शिशु को मासिक 1500 टंका और उभय पितामाता नथिबा शिशु को मासिक 2500 टंका सहायता प्रदान करा जाउछि। हेले गंजाम रे एही योजना ठीक भावे कार्यकारी होई पर नथिबा अभियोग आसीछि। आशीर्वाद योजना रे गंजाम जिले में 2370 जन अनाथ शिशु को चिन्हट करा जाइथिला। सेथिमध्यरु 474 जन को सहायता मिलुछि। आहुरी 2066 जन अनाथ शिशु उक्त योजना रे शामिल हेबाकु बाकी अछन्ति। ग्रासरूट लेवल रु चिन्हट होइकि लिस्ट आसीछि पिलांकर सेठरु 800 जनकर आम कम्प्लीट भेरिफिकेशन करछु डॉक्यूमेंट और से 474 जन को आम ऑलरेडी आशीर्वाद स्कीम अंडर जहाँ पाइबा कथा टाँटा तर दे सारिछु पिला किंतु दुखर कथा एक दिन बीती जाइले अवशिष्ट 1970 जन पाइबा वंचित होती अपेक्षार अच्छा आज दिन में मुझे आपण स्कीम माध्यम से जाना चाहूँगी राज्य सरकार तुरंत से ही परिवार वर्ग को आर्थिक आशीर्वाद योजना आर्थिक सहायता प्रदान करूँ ना आगामी दिन में विरुद्ध जिलाव्यापी जन आंदोलन। कोरोना महामारी रे अनाथ होता पिला संख्या केते से नहीं सूचना देवाक सुप्रीम कोर्ट गत 26 जुलाई में जातीय शिशु सुरक्षा संरक्षण आयोग सत्यपाठ दे सुप्रीम कोर्ट को जणाई देश में 75,320 अनाथ शिशु चिन्हट कर बाल स्वराज पोर्टाल अपलोड करमु द्वितीय सर्वाधिक राज्य भाव ओडिशा 6,562 अनाथ शिशु को चिन्हट कर 818 जन उभय बापा माँ को हर 5,742 जन बापा किंबा माँ जन को हर आई जन परित्यक्त शिशु किंतु यही संख्या बाद
राज्य में आहुरी अनेक अनाथ होता आकलन कर झारसुगुड़ा भलिया छोटिया जिले में 748 अनाथ शिशु चिन्हट हो पारी समग्र राज्य में कोरोना महामारी समय निजर बापमा को हर 25,000 ऊर्ध शिशु अनाथ होता नहीं अभोग आनी सामाजिक कर्मी टोटाली चौवन केस रु 52 टी आम अभियुक्त सहित मैच कर सकूँ लखनपुर एक तीन एक चार रघुनाथपाली दुईटी पिला रघुनाथपाली दुईटी पिला आमती अच्छा सतट पिला तर सतट रू आम भावु तीनो सी एन सी भी पारती जो विश्वास पर फैमिली हम तो सी एन सी भी नई पारती महामारी रे हजार हजार शिशु निजर माता पिता हर अनाथ हो जदि प्रशासन ठीक भावे अनाथ शिशु तथ्य संग्रह करे राज्य में हजार हजार असहाय शिशु उभय केन्द्र और राज्य सरकार योजन वंचित हेबे। ब्रह्मपुर विस्मय प्रधान सहित झारसुगुड़ सुरेन्द्र बारी रिपोर्ट अर्गस न्यूज। निजुक्ति को नहीं निजे करिथिबा चुक्ति को भूलीगला राज्य शक्ति विभाग घरोई कंपनी रो अनुकंपा जो बळी पड़ुछंती सहसो चुक्ति भित्तिक बिजुली कर्मचारी राज्य शक्ति विभाग अधीन थिबा तत्कालीन साउथको एवं एबिकार टाटा पावर मनोमुखी कार्य करथो अभिजुक आनी धारणा रे बसछंती 500 रु अधिक बिजुली कर्मचारी दक्षिण ओडिसा रे ई बिजुली कर्मचारी टाटा पावर कार्यालय आगरे गत 7 दिन हला धारणा रे बसथिले सुधा नीरव साजिछंती राज्य सरकार एवं टाटा पावर कर्तृपक्ष घरोई कंपनी प्रति राज्य सरकार बड़ अनुकंपा बळी पड़ुछंती सह सह आउटसोर्स भावे कार्य करुथवा बिजुली कर्मचारी नजर पकांतु एही दृश्य उपरे अस्थायी भावे काम करुथवा कर्मचारी खरा वर्षारे दीर्घ 8 दिन हला एमिति धारणा रे बसी रहिछंती एमानंक दाबी हला स्थायी नियुक्ति स्थायी निजुक्ति पाई पूर्वरु बारंबार दाबी करिबा परे राज्य शक्ति विभाग अधीन रहिथिबा साउथको एवं बिजुली कर्मचारी संघ पक्षरु गोटिए चुक्ति हेला 2018 मसीहा जानुअरी 1 तारिख रे होइथिबा एही चुक्ति रे उल्लेख रहिछि 200 आउटसोर्स कर्मचारी को स्थायी निजुक्ति बड़का कर्मचारी को रोल को नियाजिबो किंतु 3 वर्ष परे एही चुक्ति केवल चुक्ति रे ही रहि जाइछि आम आज 15 वर्ष 16 वर्ष 10 वर्ष होगा कम कलु 2300 टाइम कम कलु फाइलिंग तितली हुड़ुड़ु सेतु ए आउटसोर्स आम सरकार धरी समस्त मन पड़ी मात्र फाइलिंग तितली सब सजाड़ा होगा आम आसुरी होती आउटसोर्स किए आम कथा विचार करना दुखर कहानी आज्ञा जो बापा माँ को भी भल मुठाटे खाइ दे पाने पाठ पढ़े हो दुख कष्ट चलु हेले भी कंपनी आम कि दुख बुझुना आज के 22 तारिख रु बसलु को लोकटे आस को अफिसर टे आसिक पचन बापर कौन खाऊ कौन कर लोक आज्ञा 1999 मसीह ग्राहकों संख्या रही 2,69,000 सेवा देवाई 4,400 कर्मचारी नियमित रोते कि 2021 बेलू ग्राहकों संख्या पहुंची 21,00,000 नियमित कर्मचारी मात्र 1,600 जन अच्छा एवं आउटसोर्स कर्मचारी 3,000 जन अच्छा वर्तमान 33/11 लाइन एवं सबस्टेशन 6 गुण को वृद्धि पाई स्पष्ट केते कर्मचारी पदवी खाली रही किंतु एथिप्रति कंपनी कौन सी निघा नहीं आसबू जा चुप बसी शक्ति विभाग आग को जदि निजुक्ति सृष्टि न हुए तेरे पर आंदोलन चेतावनी देती आउटसोर्स बिजुली संघ प्रथम दाबी है 2018 मसीह सीएमडी हेमंत शर्मा आईएएस ऑफिसर जो एनर्जी सेक्रेटरी थे आमर संघ सहित गोटे चुक्ति करते 200 पोस्ट रेगुलर प्लस आउ किसी पोस्ट कर बाकी जी आम 4,000 पिला आउटसोर्स कर्मचारी विद्युत क्षेत्र में काम कर सब पिला इनसोर्स करने दुटा दाबी थी 2018-19-20 पर आम दाबी कहीं शुणिले ना ये दाबी जिते पर्यटन न पूरण होते पर्यटन ये धारणा चलो आम दरकार पड़े आम पर सहित आसिक गेट आगे बस बर्तमान आगर जो प्रकार थी गोटे आउटसोर्स आम थू बर्तमान जो एजेन्सी बर्तमान नेक्स्ट मस रु आसे आमको गोटे मानने कंट्राक्चुआल रु आउ गोटे कंट्राक्ट को गोटे सिफ्ट करोटा कि आम अवस्था बहुत सांघातिक हाबाक जाऊँगी मानने अल्प पैसा केमती कामटा हासिल करेंगे दीर्घ 7 दिन धरिकी अखिया अपिया बिजुली कर्मचारी संघर शह शह कर्मचारी से मैंने धारणा बस
किंतु ना टाटा पावर कार्यालय कौन अधिकारी ना कौन सरकारी अधिकारी आखि पड़ूनी तेबे देखिबार कथा सरकार केबे दृष्टि दउछंती एवं राज्य रे शक्ति विभाग केबे नियुक्ति सृष्टि करुछि। ब्रह्मपुर रो कैमरा पर्सन शुभेंदु को सहित पीतांबर नाहक अर्गस न्यूज। पहाड़ काटी तैयारी होछि 3 किलोमीटर रास्ता आउ रास्ता तैयारी पै लागिछि दीर्घ 20 वर्ष। नयागढ़ रो दुई भाई हरि एवं कृष्ण बेहरा निहन रे पत्थर काटी तैयारी करछंती रास्ता। देखिबाय रिपोर्ट। କିଛି ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ପୁରୁଣା ଫୁଟେଜ୍ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ହରି ବେହେରା ଓ କୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ଶ୍ରମଦାନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସଡ଼କର ଚିତ୍ର। କଠିନ କଳାମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି ଏହି ସଡ଼କରେ ରହିଛି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ 20 ବର୍ଷର ଶ୍ରମ ଓ ସ୍ୱେଦ। ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଦେଇ ଶ୍ରମଦାନ ଜରିଆରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଛୋଟ ଏକ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି ହରି ଆଉ କୃଷ୍ଣ। ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ବାଣ୍ଠପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ତୁଲିବିର ଜଣେ ଅଧିବାସୀ କହନ୍ତି, 3 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଚଟାଣକୁ କାଟି ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ନିଜ ଯୌବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଗାଁର ହୀରା ହରି। ବଡ଼ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଶ୍ରମଦାନର ସହାୟତା। ସକାଳେ ଚାଷବାସ, ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗାଁକୁ ସଡ଼କ ଆଣିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହରି ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ହରିହର ବେହେରା ତୁଲୁବିକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2.5 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୌବନଟାକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲ କାନ୍ଧେଇକି ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ, ମୋଟରସାଇକେଲ ବି ଗଡ଼େଇ ପେଲି ପେଲି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯିବା ଆସିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସରକାରୀ ତ ହୀରା ମୋତେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦିଅର ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ତାଙ୍କେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ହଳ ବାନ୍ଧିବେ, ହଳ ଫିଟେଇକି ଆଉ 10ଟାରେ ହଳ ଫିଟେଇବେ, ସେଇଠୁ ଯାଇକି 2ଟା 3ଟାରେ ଯାକ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ 150ର। ଘର କଥା କେବେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଟଟା ହେବ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ବାହୁବଳରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁଇପଟେ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ଅଣଓସାରିଆ ସରୁ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାଟି ଏବେ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିବାରୁ ବାହାର ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ ସିଧା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଆଗରୁ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଗହଳ ବୁଦା ତଳେ ନଈ ନଈ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହରି ବେହେରା। ହରି କହନ୍ତି, ମୋର ବୟସ ଏବେ 53 ବର୍ଷ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 18 କି 19 ସେହି ସମୟର କଥା ଇଏ। ଗାଁକୁ କେହି କୁଣିଆ ଆସିଲେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ବାଟବଣା ହୁଅନ୍ତି ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତି ବିତାଇ ସକାଳୁ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଓ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେମିତି ହେଲେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଆଣିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆଉ ନିହାଣ ହାତୁଡ଼ି ଧରି ପାହାଡ଼କୁ କାଟିବାରେ ଲାଗିଲୁ। ଦିନେ ନୁହଁ କି ବର୍ଷେ ନୁହଁ, 20 ବର୍ଷ କାଳ କାଟି କାଟି 3 କିଲୋମିଟର ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ। ଏବେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆରପାରିରେ, ଆମେ ତିଆରି କରିଥିବା ସଡ଼କ ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଓ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟରେ ଆସିପାରୁଛି। ହରିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜନେତା। ବାହାରୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କି ଜଣେ ଆସିଲେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ରହିଯାଆନ୍ତି, ରାତି ପାଇଲେ ବାଟ କଳିକି ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି। 18-19 ବର୍ଷ ହେବ ହେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ରାସ୍ତାଟା। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ଫଳ ଘଡ଼େ ବାନ୍ଧିକି ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିବ, ଏମିତି ପ୍ରାୟତଃ 30-32 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଭାଇଙ୍କର ଡେରେ ହେଇଗଲା। ଲୋକ ଯିବେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ କହିବେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତୁ, ଏଇତିକି ମୋତେ ଖୁସି ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁକୁ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶ୍ରମଦାନରେ ସେ ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ ଫ୍ୟାଚିଂ କରି ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। 20 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଶ୍ରମଦାନରେ ପାହାଡ଼ ଚିରି ଗାଁକୁ ସଡ଼କ ଆଣିଥିବା ନୟାଗଡ଼ର ଏହି ଅନନ୍ୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଜି ବଣମଲ୍ଲି ପରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।